महाशिवरात्रि पर्व पर आचार्य देशमुख वशिष्ठ ने श्रद्धालुओं को संदेश देते हुए कहा कि भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। उन्होंने कहा कि जो भी भगवान शिव की श्रद्धा भाव से भक्ति करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। आपको बता दें कि सेक्टर 45 चंडीगढ़ के मंडी ग्राउंड में आचार्य द्वारा शिव महापुराण कथा से श्रद्धालुओं को निहाल किया गया। उन्होंने कहा कि शिव महापुराण कथा सुनने और करने का मौका सौभाग्यशाली को ही मिला है। वही कथा में भगवान शिव के भजनों पर श्रद्धालु जमकर झूमते हुए नजर आए। सुनिए आचार्य देशमुख वशिष्ठ ने क्या कुछ कहा। शिवलिंग का अभिषेक करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसमें सबका अलग अलग विधान है, जैसे जल चढ़ाने का क्या महत्व है, दूध चढ़ाने का क्या महत्व है, दही चढ़ाने का क्या महत्व है। और इसमें जो लोग रोगी हैं, मैं बताना चाहूंगा, रोगी व्यक्ति क्या करे, वो गिलोय ला करके गिलोय का जल भगवान को अर्पित करे, शिवलिंग पर चढ़ाए तो उसके रोग मुक्त हो जाते हैं। बिल्वपत्र भगवान राम का नाम लिख करके चढ़ाने से सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भांग धतूरा भगवान को अर्पित करने से व्यापार आदि में वृद्धि होती है। भगवान को शहद चढ़ाने से व्यक्ति का धन और यश बढ़ता है। गन्ने का रस लेकर भगवान के शिवलिंग पर अर्पित करने से उसका धन भी बढ़ता है, उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है और उसका स्वास्थ्य भी उत्तम होता है। तो इस प्रकार अनेक वस्तुएं हैं। तो आप भगवान शिव की पूजा शिवरात्रि के दिवस में करें, क्योंकि वो अनंत गुना पुण्य देने वाली है और पूरे साल भर तक भगवान शंकर के जो व्रत आते हैं उन व्रतों का पुण्य देने वाली है। इसलिए आप इस शिवरात्रि के व्रत को भी कीजिए और इस शिवरात्रि पर भगवान शिव का अभिषेक करके अपने जीवन को परम धन्य और परम आनंदमय बनाइए। नमः शिवाय। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।